एशियन भारत के फेस ऑफ द वीक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों को लेकर देश में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में हम हैं मध्य प्रदेश में किसान नेता के रूप में जाने जाने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ। कमल पटेल जी, आपका स्वागत है। ये जो अभी देश में चल रहा है व्यवस्था का, कृषि कानूनों को लेकर जो भी आपाधापी मची है, ऐसे में आप मध्य प्रदेश में एक भी आंदोलन नहीं हुआ और यहाँ पे बल्कि उसका विरोध भी हुआ है, या मानते हैं आपकी उपलब्धि है कृषि मंत्री के रूप में? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम गांव, गरीब और किसान हमारी प्राथमिकता है। हम किसानों की सरकार जब कहते हैं तो हम जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों के लिए जो हमने किया है, इसके कारण हमने किसानों का दिल जीता है, विश्वास जीता है, उनका विकास किया, और इसलिए किसान और प्रदेश की जनता हमारे साथ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 में शपथ ली प्रधानमंत्री की, मई में, और 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब उन्होंने पहला ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा कि मैं संवैधानिक रूप से प्रधानमंत्री हूं, लेकिन मैं देश का प्रधान सेवक हूं, और ये 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, वो गरीबों को और किसानों को समर्पित है मेरी सरकार, महिलाओं और युवाओं को समर्पित है मेरी सरकार, और जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और इसलिए उन्होंने महात्मा गांधी का सपना, कांग्रेस ने 60 साल राज किया गांधी जी के नाम पर, नकली गांधी बनकर एक परिवार ने, लेकिन देश का भला नहीं किया, खुद का भला किया। एक ही परिवार ने देश पर कब्जा करके रखा, एक पार्टी पर कब्जा करके रखा और देश को बर्बाद कर दिया। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस, इस देश के अंदर देश गरीब है उसके लिए जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस को सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहिए देश से कि हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मोदी जी ने 6 साल के अंदर इस देश को स्वच्छ बनाया। कांग्रेस ने 60 साल में एक भी शौचालय नहीं बनाया पक्का गांव के अंदर गरीबों का, एक पक्का मकान नहीं दिया, एक गरीब को गैस टंकी चूल्हा नहीं दिया, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की, गांव में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनाई, गांव को नर्क बना के रखा, भेद किया गांव के साथ। मैं बताना चाहता हूं आपको कि 15 अगस्त 1947 को देश दास्ता की बेड़ियों से आज़ाद हुआ, उसके बाद कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री बने देश के नेहरू जी, 80% लोग गांव में रहते हैं और 20% शहर में रहते हैं, लेकिन 80% पैसा खर्च किया शहर में और 20% पैसा खर्च किया गांव में। गांव को तो जान दिन तक इंसान रहते नहीं वहाँ, और इसलिए गांव पिछड़ गए और शहर विकसित हो गए, खाई हो गई बहुत चोरी, और इसलिए लोग गांव से पलायन करके शहर में आए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने पहला बजट जब पेश किया तो उन्होंने कहा कि गांव में जितने लोग रहते हैं गांव में उतना बजट खर्च होगा, शहर में जितने रहते हैं, तो 68% लोग गांव में रहते थे तो 68% बजट का पैसा गांव में दिया, 32% शहर में। जो विकास का पहिया उल्टा था उसको सीधा किया, और उसके कारण गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये देश के और गांव के विकास के लिए सबसे बड़ी योजना लेकर आए थे। और गांधी जी का सपना कांग्रेस ने नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, और इसलिए देश से कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए कि हमने गांधी जी के नाम पर राज किया लेकिन गांधी जी के सपने को साकार नहीं किया। अब मोदी जी ने पहले 5 साल में देश को स्वच्छ किया, खुले शौच से मुक्त किया। हमारी माता बहनें लोटा लेके जाती थी, 10 बार ऊट पीट लगाती थी, जब वो हमारे माथे पे कलंक था उस मिटाया, पक्के मकान बनाए, 9.5 करोड़ बहनों को और माताओं को गैस टंकी चूल्हा दिया, पहले चूल्हा फूंक फूंक के आंखें खराब कर लेती थी, 3 करोड़ से अधिक पक्के मकान बनाए, 2024 तक सबको मकान दे देंगे पक्के, कोई भी नहीं रहेगा। आज 500 की आबादी तक पूरे गांव देश के सड़कों से जुड़ गए हैं, और मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जोड़ा है, 15,500 किलोमीटर हमने नामीकरण कर दिया, मुख्यमंत्री खेत सड़क से हम जोड़ रहे हैं, यानी विकास की बात कर रहा हूं मैं। तो ये परिवर्तन है हमारे लिए, देश पहले पार्टी बाद में, उसके बाद में मैं। कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे वो पप्पू को ही बनाएंगे एक ही परिवार को, इसलिए पूरी पार्टी को डुबा लिया और देश को भी डुबा दिया। अब दूसरी पारी जो है प्रधानमंत्री जी की, अपने काम के बल पर जनता का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कर जीतते हुए दोबारा वो अपने बल पर सरकार बनी है। 30 साल बाद एक ही पार्टी की हमने सरकार बनाई है दूसरी। किसान, किसान संगठन, अर्थशास्त्री सभी मांग करते थे कि किसान की स्थिति खराब है, आत्महत्या करता है, घाटे में रहता है, घाटे की खेती होती है, और इसलिए लाभ का धंधा बनना चाहिए और इसलिए किसान की आय दोगुना होना चाहिए। उसके लिए स्वामीनाथन आयोग बनाया था अटल जी ने। कांग्रेस की 10 साल मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में सरकार रही, क्यों नहीं लागू किया इन्होंने?
ये पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है, और उसमें किसान की जो लागत आती फसल की उसका मिलाकर 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य घोषित किया है एनएमए, और उसके कारण समर्थन मूल्य बड़ी संख्या में बढ़ा है। कांग्रेस के समय में समर्थन मूल्य बढ़ता नहीं था, 1, 2, 5, 10 रुपये बढ़ते थे, लेकिन मोदी जी ने 500 से लेकर 2500 तक बढ़ाया है प्रति क्विंटल, और उसके कारण किसान को थोड़ा समर्थन मूल्य पे खरीदी भी होती है। 23 जींस हैं जिनकी समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है, गेहूँ, धान, चना, सरसों, मसूर, उड़द, ये बड़े पैमाने पर खरीदी होती है, और उसके कारण किसान को लाभकारी मूल्य मिला है। आप जो बात कर रहे हैं कर संशोधन की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गांधी का सपना मोदी और अटल जी ने पूरा किया है, और वो जो राहुल गांधी हैं वो मांग कर रहे हैं किसानों के हित की बात के नाम पे कि जो है कृषि कानून वापस लिए जाएं, ये रद्द किए जाएं। नहीं, आपने अच्छा प्रश्न किया। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी नाना से लेकर नानी तक, दादी तक, सबने गरीबी हटाने का और देश को आगे बढ़ाने का गांधी के सपने साकार करने का क्यों नहीं किया? भैया, स्वच्छता क्यों नहीं आई देश के अंदर? गरीब के शौचालय क्यों नहीं बने? जवाब दो। पक्के मकान क्यों नहीं बनाए? गैस टंकी चूल्हा क्यों नहीं दिया? रोटी कपड़ा और मकान क्यों नहीं दिया? किसान की खेती घाटे का धंधा क्यों है? ये कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम है। और मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हैं तो क्या आज 6 साल के अंदर हो गए? ये नेहरू जी और इंदिरा जी और मनमोहन सिंह के समय के हैं, राजीव गांधी के समय के। और इसलिए गांव और शहर, तुमने सिर्फ मुट्ठी भर लोगों की चिंता की और उनको शोषण किया, और उसके कारण तुम भी अरबपति खरबपति मुट्ठी भर लोग हुए, लेकिन पूरा देश गरीब हो गया। मेहनत करता है किसान, दिन में, रात में, ठंड में, गर्मी में, बारिश में, खेत उसका, बीज उसका, खाद उसका, दवाई उसकी, पूरा परिवार लगता है, लेकिन वो कर्ज में और घाटे में। और जो मुट्ठी भर लोग व्यापारी और जो बिचौली और उद्योगपति हैं वो कमाते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, एक मैं किसान हूँ, मैं आलू पैदा करता हूँ, मैं प्याज पैदा करता हूँ, टमाटर पैदा करता हूँ, मिर्ची पैदा करता हूँ किसान के नाते। हमारा कभी 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये की लागत 15 रुपये, 20 रुपये आती है, तो घाटे की होती, तो किसान कर्ज में आता है, फिर मरता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं की। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने चिंता की कि अटल जी ने, मोदी जी ने कहा है कि जो कमाएगा वो उसको मौका देंगे किसान की खेती का। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा किसान की आय 2022 तक दोगुना करेंगे। अभी तक किसान घाटे की खेती करता था, कमाते थे बिचौलिए, अब बिचौलिए हटा दिए हैं। अब किसान कमाएगा कैसे? मैं 10 रुपये किलो मेरा आलू बिक रहा है, और आलू की चिप्स मैं खरीद रहा हूँ 400 से 500 से 1000 रुपये किलो, तो किसान को खुद क्यों ना फैक्ट्री लगा कर दें। लेकिन अभी तक जो कांग्रेस के 60 साल के राज में किसान को खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन के लिए ही पैसा मिलता है कि खेती करो, लेकिन व्यापार, व्यवसाय, उद्योग के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों भाई, किसान को मजबूर क्यों कर रहे हो खेती के लिए? खेती करेगा, लेकिन अगर एक लड़का खेती कर रहा है तो दूसरे लड़का पढ़ लिख के हो गया, नौकरी नहीं लगी, तो भैया व्यापार क्यों नहीं कर सकता, उद्योग क्यों नहीं लगा सकता? क्या सिर्फ शहर के लोगों को अधिकार है उद्योग लगाने का? कांग्रेस की गलत नीति के कारण गांव की प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू नहीं, गांव के मकान की कोई वैल्यू नहीं थी, प्लाट की कोई वैल्यू नहीं थी। 1 करोड़ का भी मकान गांव में किसी का है तो उसको 1 रुपये के ना तो जमानत हो सकती, ना लोन मिल सकता, ना लिमिट मिल सकती, ना उद्योग के लिए, और जब लोन नहीं मिलेगा तो सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसलिए 70% लोग जो गाँव में रहते हैं उनको आज तक उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के लिए ना लिमिट मिली, ना सब्सिडी मिली, ना लोन मिला, और इसलिए वो पिछड़ गए। शहर के मुट्ठी भर लोगों को लिमिट भी मिलती है क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, फ्लैट की, मकान की, उसके गारंटी में रख के बैंक लोन देती है, उससे 40% उद्योग पर सब्सिडी ली, 50% कोल्ड स्टोरेज पर सब्सिडी ली, 33%, 25% वेयर हाउस पर सब्सिडी ली, और ये सब्सिडी सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को मिला, इसलिए वो अरबपति खरबपति हो गए। 200 गुना ज़्यादा रेट में खरीदते 10 रुपये में और बेचते 500 रुपये में। अगर यही काम पहले कांग्रेस के शासन में नियम परिवर्तन हो जाता, गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक दे देते, गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से देश का, तो क्यों नहीं किया? तो पहली बार मोदी जी ने किया गांव की प्रॉपर्टी का सर्वे कराकर स्वामित्व योजना से मालिकाना हक देने का। अब गांव को मालिकाना हक मिलने से गाँव के किसान खेती के साथ व्यापार भी कर सकेंगे, उनको लिमिट मिलेगी, व्यवसाय भी कर सकेंगे, उद्योग भी लगा सकेंगे, और उद्योग लगाएंगे तो उनको सब्सिडी भी मिलेगी, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फुटबॉल से, उससे फायदा क्या होगा? अभी 1 लाख करोड़ से अधिक की सब्जियां हर साल सड़ जाती क्योंकि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। अब कोल्ड स्टोरेज हो जाएंगे तो वो फायदा देश को ही होगा। कितनी मेहनत से हम सब्जियां उगाते हैं लेकिन वो सड़ जाती है। दूसरा, अनाज सड़ जाता है 1 लाख करोड़ से अधिक का तो वेयर हाउस होंगे किसानों के खुद के होंगे तो वो नहीं सड़ेगा, तो देश का ही फायदा होगा। दूसरा,
किसान से औने पौने भाव में खरीदते हैं और फिर बिचौलिए कमाते हैं, उद्योगपति कमाते हैं। तो किसान पैदा भी करेगा अनाज, उसके बाद वेयर हाउस भी उसका होगा, कोल्ड स्टोरेज भी उसका होगा, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी उसके होंगे। तो जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो अब किसान कमाएंगे। तो जो पैसा अभी तक मुट्ठी भर लोगों के पास आता था, वो विकेंद्रीकरण होगा पूरे गांव के अंदर। और गांव में जब वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, तो गांव के लोग जो पलायन करके शहर में आते, नदी नाले किनारे मच्छर खाते, पेट के लिए करते हैं, अब उनको गांव में ही रोजगार मिलेगा। 12 ही महीना मजदूरों को, तो गांव के मजदूरों को रोजगार मिलेगा दो हाथ को। जो बेरोजगार लड़के हैं किसानों के, वो खुद नौकरी के लिए भटकते हैं, वो नौकरी देने वाले बनेंगे, उनके वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे, तो उसमें रोजगार लगेंगे। और जो पैसा बिचौलिए और उद्योगपति कमाते थे, वो किसान के बेटे कमाएंगे और ज़्यादा संख्या में कमाएं, तब गांव आत्मनिर्भर होंगे, बेरोजगारी दूर होगी और गांव मजबूत होंगे। और गांव आत्मनिर्भर, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। तो ये जो पुण्य का कार्य किया है मोदी जी ने विकेंद्रीकरण करके, इससे जनता का दिल और विश्वास जीतेंगे। और अगले चुनाव जब आएगा तो उसमें रिकॉर्ड वोटों से, अभी तो 272 से, पहले तो हम 272 आए, 272 से 303 आए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि ये कानून लागू होने के बाद जब गांव के किसानों को उद्योग, व्यापार, व्यवसाय करने का मौका मिलेगा, मालिकाना हक मिल रहा, सही मायने में तो गांव अब आज़ाद हुआ है। 24 अप्रैल 2020 को मोदी जी ने किया गाँव को आज़ाद। देश तो आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 47 को, लेकिन सिर्फ शहर आज़ाद हुए थे, गांव आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं हुए थे। अब मौका मिला है, विकास के द्वार गांव के अब मोदी जी ने खोले हैं। अब गांव के किसानों की, गरीबों की तकदीर तस्वीर बदलेगी, दशा और दिशा बदलेगी, और आत्मनिर्भर होंगे, उद्योगपति बनेंगे, और इसलिए जनता का दिल जीतेंगे। ये चिंता कांग्रेस सहित, विपक्ष, कम्युनिस्ट सहित सभी पार्टियों को है कि मोदी जी जिस प्रकार देश के लिए काम कर रहे हैं और जो जनता का दिल जीता है, विश्वास जीता है, इससे आने वाले विधानसभा, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सहित सभी विपक्षियों का सफाया हो जाएगा। किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, लोग प्रश्न करेंगे कि तुमने को 60 साल दिया देश ने, तुमने किया क्या, एक शौचालय तो बनाया नहीं, एक मकान तो बनाया नहीं गाँव के। इसलिए इनको चिंता है, इनको देश की चिंता नहीं है, इनको किसानों की चिंता नहीं है, इनको मजदूरों की चिंता नहीं है, इनको चिंता है अपनी कुर्सी बचाने की और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। और ये सब खत्म होने वाले राजनीति, और इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। और किसान एक ऐसा विषय है जिसके नाम पर, अन्नदाता के नाम पर आप कुछ भी करो, भोला भाला किसान उसको भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन पूरा देश का किसान मोदी जी के साथ है। सिर्फ सिर्फ पंजाब का किसान, पंजाब हरियाणा, वहाँ क्या है, वह आड़त प्रथा है, और आड़त प्रथा में आड़तियों के पास किसान को एडवांस देते हैं पैसा, और 2.5% से लेकर 8% आड़त काटते हैं, और इनका पूरा व्यापार पे कब्जा, बड़ी बड़ी कंपनियों का, और उसमें दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस भी है और अकाली दल भी है। और इसलिए अब ये कानून लागू होने के बाद में इनकी आड़त प्रथा खत्म हो जाएगी, तो हजारों करोड़ रुपये जो ये कमाते हैं वो बंद हो जाएगा, और इसलिए उसकी भी इनको चिंता है। और इसलिए किसानों को भड़का कर और ये आंदोलन कराया गया, लेकिन ये किसान के हित का कानून है। अगर ये सच्चे किसान हितैषी होते, कांग्रेस और जितनी भी विपक्षी पार्टियां और किसान संगठन के नेता हैं, तो ये कभी आंदोलन नहीं करते। ये कानून किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला है। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी तक जो व्यवस्थाएँ थी आज़ाद भारत के 73 साल में, किसान की फसल आती खरीफ रबी की, एक साथ आती, मंडियों में जाते हैं या समर्थन मूल्य पर खरीदते हैं, दो चीज़ें। समर्थन मूल्य ज़्यादा है तो किसान समर्थन मूल्य पर जाएगा, मंडी में रेट ज़्यादा तो मंडी में जाए, लेकिन मंडी में व्यापारी जो हैं वो हैं 100, उनकी क्षमता है 10,000 कुंटल खरीदने की, माल चल जाता 20,000 कुंटल, 25,000 कुंटल, 50,000, तो बोली नहीं लगाते, इसलिए भाव गिरते हैं। जब भी आप देखते हैं फसल आती है सीजन पर, रेट कम हो जाते हैं, और जैसे ही किसान के पास से व्यापारियों के पास जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास जाती है, फिर रेट बढ़ जाते हैं। किसान हाथ मलता रहता, काश 2 महीने में रोक लेता अगर मेरे पास वेयर हाउस होता। मोदी जी ने वेयर हाउस की, कोल्ड स्टोरेज की, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की व्यवस्था की, ताकि मंडी में ज़्यादा माल नहीं जाए, किसान खुद प्रोसेसिंग करे और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाए। बहुत अच्छा, मतलब ये तीन जो कानून हैं ये कहीं ना कहीं किसान की आमदनी भी बढ़ाने वाले हैं और तस्वीर बदलने वाले, तकदीर बदलने वाले हैं, किसान को उद्योगपति बनाने वाले हैं। आप किसान नेता के रूप में मान्य हैं बिल्कुल, और कृषि मंत्री भी हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे कौन से आपने फैसले लिए हैं जो किसानों के हितैषी माने जा सकते हैं? देखिए 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने किसानों का कर्जा माफ, 2 लाख तक का सब किसानों का कर्जा माफ करने के नारे को लेकर सरकार में आई। युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं तो 4,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये वचन दिया। महिला समूह को कहा कि सबका कर्जा माफ करेंगे, चाहे बैंक सरकारी हो या प्राइवेट हो। और बुजुर्गों से, वृद्ध विधवा माताओं बहनों से कहा कि तुमको 1,000 पेंशन करेंगे जो 300 मिल रही है। और इसलिए दैनिक वेतन भोगियों से कहा रेगुलर कर देंगे। हर वर्ग को लालीपाप दिया,
और वचन देकर किया तो लोगों को लगा कि हो सकता है ये हो जाए, और इसलिए वोट प्राप्त करके फिर भी वोट ज़्यादा बीजेपी को मिले लेकिन सीटों के गणित में थोड़ी ज़्यादा उनकी आ गई, सरकार बन गई। और राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा 11वें दिन, लेकिन थूक के चाटा, 15 महीने रहे कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, उसके बाद में नहीं हटाया। तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, धोखा देते हैं, और इसलिए धोखा दे के आप एक बार जीत सकते हो दोबारा नहीं। और इसलिए जब उपचुनाव हुए, मैं बधाई देता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने बहुत पुण्य का कार्य किया, प्रदेश की 7.5 करोड़ 8 करोड़ जनता को बचाया इनके पाप से, इनकी लूट से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके शोषण से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। जैसे ही शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने 23 मार्च को, 29 मार्च को उन्होंने 2200 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश सरकार के हिस्से का प्रीमियम किसानों की ओर से जमा किया बीमा कंपनी में, इससे 2990 करोड़ उनको मिला। उसके बाद 21 अप्रैल को मुझे उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई और मुझे कृषि मंत्री बनाया। मैंने कृषि मंत्री बनते से ही किसानों को कमल सुविधा केंद्र, और हिंदी में सब काम हो क्योंकि हमारी राजभाषा हिंदी है और मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य, और किसान हमारे हिंदी जानते हैं और इसलिए हिंदी में सारे परिपत्र और सारी जानकारियाँ दी जाए। कमल सुविधा केंद्र में शिकायतें मैंने एक टोल फ्री नंबर दिया 07552558823, इस पर शिकायत करो ताकि किसान से संबंधित कोई भी समस्या होगी निराकरण करेंगे। मैं खुद रैंडम चेक करता हूँ, 10 किसानों से रोज़ कम से कम बात करता हूँ अन्य जिलों में। उसके कारण जो 2990 करोड़ बीमा हुआ था स्वीकृत, उसको हमने बढ़ाते बढ़ाते 3228 करोड़ किसानों के खातों में डलवा दिए, सीधे खातों में, कहीं जाने की जरूरत नहीं किसान को, और इसलिए 338 करोड़ रुपये और ज़्यादा दिलवाए। दूसरा, 19 का बीमा भी इन्होंने नहीं दिया था 15 महीने में, 18 का खरीफ रबी का, 19 का, क्योंकि प्रीमियम जमा नहीं है। कमलनाथ जी नाग जैसे बैठे थे कुंडली मार के, अगर ये किसानों के हित से होते तो जो काम शिवराज जी ने 8 दिन में मुख्यमंत्री बनते से किया तो इन्हें 15 महीने में क्यों नहीं किया, मैं प्रश्न करता हूँ। जरा अपने गिरेमान में झाको कमलनाथ जी, तुमने किसानों को धोखा दिया। शिवराज जी ने फिर पैसा जमा किया 19 का, उससे 4500 करोड़ 4500 करोड़ किसानों को बीमा मिला। फिर मेरे पास शिकायतें आई, मैं हर सप्ताह मीटिंग लेता हूँ अधिकारियों की, बीमा कंपनी की, बैंक वालों की, और उसके कारण 4500 करोड़ की जगह आज दिनांक तक 5491 करोड़ रुपये हमने ज़्यादा दिलवा दिए हैं। यानी अभी तक जितना बीमा 18-19 का स्वीकृत हुआ था बीमा कंपनियों ने, उसकी हमने जांच कराकर 1329 करोड़ ज़्यादा दिलवाए। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम किसान के बेटे हैं, हम किसानों की चिंता करते हैं क्योंकि पूरा प्रदेश का किसान हमारा परिवार है, हम देश को अपना परिवार मानते हैं, हमारे लिए पहले देश फिर पार्टी और फिर मैं, आखिरी में हमारा नंबर आता है। कांग्रेस के लिए देश जाए कहीं, पार्टी डूबे डूबे पप्पू को बनाएंगे, और इसलिए देश का विकास नहीं कर पा रहे, हम देश का विकास कर रहे हैं, जनता का दिल भी हम जीत रहे हैं, विश्वास जीत रहे हैं। दूसरा, किसान मंडी में माल लेके आता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तुलता है, इलेक्ट्रॉनिक कांटे का पेमेंट दे चुका होता है लेकिन, और हाइड्रोलिक से खाली करता है, हम्माल लगते हैं ना, तुलावटी लगते, फिर भी हम्माली और तुलावटी का बिल कटता था 4% 5%, वो हमने रुकवाए, इससे 200 करोड़ रुपए किसानों का बचाया हर साल। 15 महीने कांग्रेस रही, लुटवाती रही लेकिन नहीं किया। तीसरा, चना सरसों मसूर की खरीदी कृषि विभाग के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से भारत सरकार के लिए हम करते हैं समर्थन मूल्य पे। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने चना 15 कुंटल की जगह अपने यहाँ 19 कुंटल करा लिया, जबकि वहाँ 17 ही कुंटल होता छिंदवाड़ा में, पूरे प्रदेश में उन्हें 15 किया। मेरे मंत्री बनते से मेरे पास प्रमुख सचिव आए, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, पूरे प्रदेश की जांच कराएंगे, हमने जहाँ जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे, मैक्सिमम 20 कुंटल खरीदेंगे, और उसके कारण हमने 20 कुंटल पूरे प्रदेश का किया। सचिन यादव कृषि मंत्री थे, खरगोन से आते हैं, सुभाष यादव जी उप मुख्यमंत्री किसान नेता कहलाते थे, उनके बेटे हैं, ये कहते हैं हम किसान हैं लेकिन किसान की चिंता नहीं की। इन्होंने कमलनाथ जी से नहीं कहा कि आपके यहाँ 17 की जगह 19 कर लिया, मेरे यहाँ 22 कुंटल होता तो 15 क्यों किया, 19 क्यों नहीं किया, लेकिन मैंने खरगोन में भी 20 कुंटल कराया। कमलनाथ जी ने धोखा दिया और पक्षपात किया, लेकिन हमने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो मोदी जी का नारा, उसको चरितार्थ किया। हमारे लिए कांग्रेस बीजेपी नहीं, हम सत्ता में है, हमारे लिए सब, जिनने वोट दिया वो भी हमारे, जिनने नहीं दिया वो भी हमारे, पूरी प्रदेश की जनता हमारी, और किसान हमारे लिए पहले किसान है, बोली चाहे कांग्रेस ही किसान है तो भी हमारा किसान है, और इसलिए हमने सबका साथ किया, उससे 1000 करोड़ हमने ज़्यादा दिलाए। सरसों, ग्वालियर चंबल संभाग में सरसों सबसे अधिक होती है, पहले एक नियम था 25 कुंटल ही एक दिन में किसान से खरीदेंगे, भले आपके यहाँ 1000 कुंटल हुआ पंजीयन है तो, जब आपका पंजीयन 1000 कुंटल का, तो एक दिन में अगर उसके शादी लड़की की तो क्यों ना भी खरीदना चाहिए, लेकिन ये मनमोहन सिंह के समय से चल रहा था। मैंने भारत सरकार के सेक्रेटरी से बात की, मैंने भारत सरकार के कृषि मंत्री जी से बात की, नरेंद्र सिंह तोमर जी, तर्क के साथ बात की, और उसके कारण वो लिमिट हटाया। वो लिमिट हटाने से क्या फ़ायदा, वो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से किसान भाइयों को, जनता को, कि सरसों
4425 रुपये समर्थन मूल्य था, लेकिन बिक रहा था बाजार में मंडी में 2500 से 3800 और औसत 3,3200। लेकिन जैसे ही हमने वो लिमिट हटाई और 13 कुंटल प्रति हेक्टर खरीदते थे, हमने पूरे प्रदेश में 20 कुंटल किए माननीय शिवराज जी के मार्गदर्शन में, और उसके कारण पूरा सरसों समर्थन मूल्य पे आने लगा। तो मंडियों में माल नहीं गया, और मंडियों में माल नहीं गया तो मांग बढ़ गई। फैक्ट्रियां जो ऑयल मिल है ग्वालियर चंबल संभाग में 5-7, उसमें सबसे अधिक देश में ग्वालियर चंबल में सरसों होता है, और उसके कारण समर्थन मूल्य से ऊपर बोली लगाना पड़ा। 4500 से 5600 रुपये तक बिका है जो सरसों 15 दिन पहले तक या समर्थन मूल्य पर खरीदी के पहले तक जो अनलिमिटेड कराया हमने उसके पहले तक 2500 से 3800 3200 3000 बिक रहा था, वो 4500 से 5600 बिका, यानी 1000 से 2000 रुपये कुंटल हम ज़्यादा बिकवाने में किसानों को लाभ दिलाने में सफल हुए। ये इसी साल की बात है, और इसलिए 1000 करोड़ का किसानों को फिर फायदा हुआ। तो यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, और हम जब किसान के बेटे, हम प्रैक्टिकल हैं, हम व्यवहारिक, हम जानते हैं किसान को किस तरह से लूटा जाता था, हमने वो लूट बंद करवाई और किसान को उचित मूल्य दिलाने में काम आए। तो आप बताइए, हम किसान हितैषी हैं कि कांग्रेसी किसान हितैषी? क्यों नहीं किया इन्होंने? 13 ही कुंटल क्यों किया था? छिंदवाड़ा में 19 क्यों किया? पूरे प्रदेश में क्यों नहीं किया? और इसलिए जनता ने जो उपचुनाव हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी 60,000 से ऊपर, 50,000 से ऊपर, 40,000 से ऊपर जीते हैं, वो इसलिए जीते हैं कि हमने किसानों के हित में काम किया। इनने 15 महीने लूटा था, हमने 15 दिन के अंदर ही रिकॉर्ड तोड़ काम किया है, और इसलिए हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, तो हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसान को न्याय दिलाएंगे। और इसलिए नीतियों में परिवर्तन किया, अव्यवस्थाएँ थी उसको व्यवस्था में बदला, और किसान के हित में हमने निर्णय लिए, और इसके कारण हम किसानों को हजारों करोड़ ज़्यादा दिलाने में सफल हुआ। अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 85,000 करोड़ रुपया इन 10 महीने के अंदर किसानों के खातों में डाल चुके हैं। अब बैंकों में लाइन लगी रहती है, और कांग्रेस के समय बैंक उजाड़ हो गए थे, बिल्कुल वीरान, कोई नहीं दिखता था, काला कौआ बीमा, क्योंकि उसके खाते में पैसे नहीं डलता था, और इन्होंने अपनी जेब भरी और हमने किसानों की जेब भरी, गरीबों की जेब में डाला। ये अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में, दिन और रात का अंतर है। गेहूँ के साथ जो है, जो चना मसूर को लेकर किसान परेशान रहता था अभी तक, आपकी भी पिछले 15 साल सरकार रही, अब आप कृषि मंत्री बने हैं, ऐसा क्या कुछ बदलाव ला रहे हैं कि जिससे किसानों को थोड़ा सहूलियत मिले? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, खरीफ और रबी दो फसल होती है। रबी की फसल में गेहूं, चना, सरसों, मसूर ये आती है। गेहूँ मार्च में आता है, खरीदा जाता है मार्च से, 15 मार्च से गेहूं की खरीदी हम शुरू करते हैं हर साल। पिछली बार कोविड के कारण लेट शुरू की, लेकिन हमने रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की। कांग्रेस के शासन में 68 लाख मेट्रिक टन खरीदा गया था, और हमने 1,29,00,000 मेट्रिक टन से अधिक खरीदा, रिकॉर्ड देश में नंबर 1 स्थान पर आए हम शिवराज जी के नेतृत्व में। कृषि कर्मण पुरस्कार हमको मिला। अब लेकिन चना, सरसों, मसूर मई जून में खरीदा जाता है, जब तक, और चूंकि असिंचित खेती होती है चने की, छोटा किसान, वनवासी किसान ये ज़्यादा बोझता है, और उसको मजबूरी में बेच देते हैं मंडी में होने पौने भाव पे। अभी 5100 रुपये मोदी जी ने पिछली बार, देखो 3 साल के अंदर कितना रेट बढ़ाया, 4600 था पहले 18 में जी, 19 के अंदर 19-20 में हो गया वो 4875, और अब बढ़ा के कर दिए 5100। तो कांग्रेस के राज में 5-5 रुपये भी नहीं पड़ता था, तो कितना समर्थन मूल्य बढ़ाया। लेकिन मई में खरीदी होने से किसान पहले ही औने पौने भाव पे बेच देता था, मंडी में एक साथ माल ले जाता था, फिर वही मांग कम और पूर्ति ज़्यादा होने से रेट कम होते थे। क्योंकि मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि गेहूँ के पहले चना आता है, सरसों गेहूँ के साथ आता है, लेकिन खरीदा बाद में जाता है। और इसलिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया, और मैं बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री शिवराज जी को कि उन्होंने तत्काल, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं, किसान हैं, और इसलिए उन्होंने तत्काल निर्देश दे दिए कि खरीदो। पहली बार चने, सरसों और मसूर गेहूं के साथ खरीदा जाएगा। इससे मंडी में जो औने पौने भाव पर भाव कम हो जाता था, किसान को घाटा होता था 1,000 रुपये 2,000 रुपये कुंटल का, वो अब नहीं होगा। अभी भी 3500 से 4100 चना बिक रहा, जबकि समर्थन मूल्य 5100 है, और जैसे ही अभी चना आने लगेगा तो ये 3000 पे आ जाता। तो मेरा दावा है कि अब ये रेट कम नहीं होगा, बल्कि रेट बढ़ेगा, क्योंकि अब मंडी में माल नहीं बेचेगा किसान औने पौने भाव पर 3,000, 3,500, 4,000 में, अब वो 5100 समर्थन मूल्य पर मार्च में बेच देगा, 15 मार्च से खरीदी होगी रोकेगा, और इसलिए मंडी में माल कम जाएगा तो व्यापारियों को रेट बढ़ाना पड़ेगा, और इसलिए 5100 रुपये हम देने में किसान को सफल होंगे, और मंडी में गारंटी कर रहा हूँ 5100 से ऊपर चना जाएगा। इस प्रकार 2,000 रुपये कुंटल किसान को ज़्यादा मिलेगा, करीब 2,000 करोड़ से 4,000 करोड़ का किसान को फायदा होगा। इसी प्रकार सरसों
जो 4425 समर्थन मूल्य था वो अब 4600 से ऊपर हो गया है। तो अब वो पहले 3000 के आसपास बिकता था, वो भी अब 4600 से ऊपर बिकेगा। तो इस प्रकार हम किसान को लाभकारी मूल्य दिलाने में जो मोदी जी का सपना है किसान किया 2022 तक दोगुना करना, तो हमने किया है। मैं कांग्रेसियों से पूछता हूँ, सचिन यादव जी से और कमलनाथ जी से और दिग्विजय सिंह से और राहुल गांधी से, कि भैया तुम किसान हितैषी होते तो तुमने भी 15 महीने 2 बार सीजन आया तो तुमने क्यों नहीं किया? चना गेहूँ सरसों पहले क्यों नहीं खरीदा? चने गेहूँ के साथ क्यों नहीं खरीदा? आखिरी में क्यों? अरे तुमने तो मांग ही कम की भारत सरकार से, मांगा 5 लाख मेट्रिक टन और भारत सरकार ने दिया 8 लाख मेट्रिक टन चना खरीदने की अनुमति। कम मांगा ज़्यादा दिया, तो बताओ मोदी जी और भारत सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार किसान के हित में कि तुम किसान के हितैषी हो? अगर तुम किसान के हितैषी हो तो तुमको ज़्यादा मांगना था। हमारी सरकार आते से हमने 11,11,000 मेट्रिक टन का मांगा और इसलिए किसानों को हजारों करोड़ का फायदा दिला है। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता। कांग्रेस कहती है और करती कुछ है, और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर जब कहते हैं किसानों की सरकार है, तो हमने करके दिखाया, परिवर्तन करके दिखाया। किसानों को 85,000 करोड़ रुपये 10 महीने में शिवराज जी के नेतृत्व में डाले, हर महीने पैसे डाल रहे हैं। किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री जी मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों को, छोटे किसानों को, देखिए देश के अंदर 95% किसान सीमांत और लघु किसान यानी 5 एकड़ से नीचे हैं, 5% किसान ही बड़े हैं। इन 95% किसान की चिंता किसी ने नहीं, कांग्रेस ने नहीं की, पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब 6,000 रुपये सम्मान निधि उनको हर साल मिलेगी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 4,000 कल्याण निधि से दिया, तो 10,000 रुपये प्रति किसान, पति पत्नी और नाबालिग बच्चे एक इकाई, अगर उसके 4 बेटे हैं और शादी हो गई तो वो भी 4 अलग अलग उनको मिलेंगे, और 5 एकड़ जमीन है एक एक एकड़ तो 50,000 रुपये मिलेंगे। 50,000 की सूखी में जमीन फसल ही नहीं होती, तो जितने की किसान की फसल नहीं होती उससे ज़्यादा पैसा उनको सम्मान में दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या कहते हैं, 6,000 रुपट्टी से क्या होता है? अरे भैया तुम्हारे लिए 6,000 क्यों नहीं, क्योंकि अरबपति खरबपति खूब लूटा तुमने देश को, लेकिन एक किसान के पास जाओ, गरीब वनवासी के पास, अनुसूचित जाति के पास, पिछड़े सामान के पास, जिसकी जमीन कम है, जो पूरा एक परिवार 20-25 लोग रहते हैं, 5 एकड़ में 2 एकड़ 2.5 एकड़ में परिवार चलाते हैं, वो घाटे की खेती करते थे, लेकिन अब ये जो 50,000 मिल रहे हैं वो उनके लिए 50 लाख और 50 करोड़ के बराबर है। वो दुआएं दे रहे हैं मोदी जी को, लेकिन तुम तो गांव में जाते नहीं हो, तुमको गांव गरीब के कोई लेना देना नहीं, तुमको तो सिर्फ बड़े बड़े लोग और उद्योगपति दिखते हैं, और इसलिए तुम्हारे लिए 10,000 पट्टी है, लेकिन हमारे किसानों के लिए वो 10,000 10 लाख के बराबर है। और इसलिए किसान भगवान मान रहे हैं मोदी जी को और शिवराज जी को, दुआएं दे रहे हैं और इसलिए वोट भी दिए। तो ये एक जो है, आप बहुत ओपीडी की बात कुछ कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। ओपीडी सामान्यतः जो है, जब सेहत ख़राब होती है तो लोग अस्पतालों में जाते हैं, ओपीडी, अब किसानों के लिए ओपीडी किस तरह काम करने जा रही है मध्य प्रदेश? देखिए जिस प्रकार हमारा मनुष्य, हमारों को भी स्वास्थ्य खराब होता है तो हम चिकित्सालय जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, तो सबसे पहले ओपीडी में जाते हैं, वो देखता है कि कौन सी बीमारी, उस विभाग के पास भेजता है डॉक्टर। इसी प्रकार हमारी मिट्टी है ये भी जीवित है, रासायनिक उपयोग कर करके इसको भी स्वास्थ्य खराब कर दिया है, और इसलिए ये जब बीमार होती है तो इसके लिए भी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर है इनके, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र सिर्फ कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ही रहते थे, वैज्ञानिक फील्ड में नहीं जाते थे। मैंने उनको आदेश किया है मंत्री बनते से कि सब फील्ड में जाइए, हर दिन एक वैज्ञानिक के गांव में जाना चाहिए, चौपाल लगाना चाहिए, किसानों को बताना चाहिए कि किसान की ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, किस उसको पूरी की जाए, कैसे बोनी की जाए, कौन सा बीज लगाया जाए, कितनी दूरी से लगाया जाए, और जिससे किसान की आय बढ़े। दूसरा, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर ओपीडी भी हमने खोल दी है कि किसान ने अगर व्हाट्सअप, आजकल किसान के पास भी मोबाइल है, मजदूर के पास भी मोबाइल है, ज़माना बदल गया, अब देश वो देश नहीं रहा पुराना, ये अभी भी कह रहे हैं किसान भोला भाला, किसान क्या जानता है। मैं कह रहा हूँ कि अब बदल गया देश, ये 6 सालों के अंदर मोदी जी ने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, गांव को भी, गांव में सड़कें हो गई, बिजली 24 घंटे, पानी की व्यवस्था हो गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, और अब हमने किसानों को भी जागरूक किया है, और इसलिए वो एक फ़ोटो खींचेगा कि इसमें ये बीमारी है, सीधे कृषि वैज्ञानिक के पास जाएगा, वहाँ से वो तत्काल उसको सलाह देगा कि इसमें ये दवाई दो ताकि तत्काल वो ठीक कर सके। इसलिए कृषि ओपीडी, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हर जिले में, हमने कृषि ओपीडी की शुरुआत कर दी, अभी हरदा से हमने शुरू किया, पूरे प्रदेश में लागू हो जाए। किसान कृषि वैज्ञानिकों की ड्यूटी लगा दी कि वो गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, मैं खुद भी जाऊंगा, हमारे जनप्रतिनिधि भी आएंगे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे, ताकि किसानों को हम अच्छी तकनीक, नई तकनीक, आधुनिक तकनीक, कम लागत में ज़्यादा आमदनी हो। दूसरा, ये देश प्राकृतिक खेती करता था, लेकिन पेस्टिसाइड का अंधाधुंध उपयोग करने से पंजाब में क्या स्थिति हुई है, बठिंडा जिला है जहाँ कैंसर ट्रेन चलती है,
इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया कि अब पूरी मिट्टी जहरीली हो गई है, जो अनाज होता वो भी जहरीला, और उसके कारण बीमारियां हो रही है, कैंसर, किडनी, लंग्स, ये उसी के कारण है। और इसलिए हम किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं कि धीरे धीरे पेस्टिसाइड का उपयोग, रासायनिक खादों का उपयोग कम करके जैविक खेती करें, गौमूत्र और गोबर, और इसलिए गौ माता की भी रक्षा करें, इसलिए हम गौशालाएँ भी बना रहे हैं, गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं, और जैविक खेती की ओर किसानों को लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमको, हमारे आने वाली पीढ़ी को, हम अच्छा और पेस्टिसाइड मुक्त अनाज दे सके, ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि सबसे पहला जान है तो जहान है, तो पहले लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रकार किसानों को आय बढ़े, लागत कम हो, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी कांग्रेस के आरोप लगाती है नया कृषि कानून आने से उद्योगपति बिल्कुल जमीन हड़प लेंगे, हाँ। जबकि इन कानून में कहीं नहीं है कि किसान की जमीन के ऊपर कोई, सिर्फ फसल जो है उसको खरीदने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। अभी तक मैं तीनों कानून जरा समझा रहा हूँ। पहला, कृषि व्यापार एवं वाणिज्य उद्योग सरलीकरण संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। अभी तक मंडी और समर्थन मूल्य पर खरीदी होती थी, लेकिन मंडी और समर्थन मूल्य में से भी ज़्यादा उत्पादन होता है तो किसान का भाव नहीं मिलता। अब मोदी जी ने कर दिया नए कानून में, सरकार ने, भारत सरकार ने, कि मंडी भी रहेगी, समर्थन मूल्य पर खरीदी भी होगी, लेकिन हम व्यापारी बढ़ा रहे हैं, मांग बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे, और इसलिए किसान का पूरा माल का उचित मूल्य मिल जाए तो किसान के घर से, खलियान से, खेत से भी फसल बिक सकती, ताकि उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ना लगे। और अगर उसको मंडी से और समर्थन मूल्य से ज़्यादा रेट घर बैठे मिल जाए तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है। और इसलिए जितने भी पैन कार्डधारी हैं वो सब खरीदी कर सकते हैं और सीधे किसान से जुड़ सकते हैं, तो बिचौलिए अलग हटेंगे, और जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा, तो किसान भी 2 रुपये ज़्यादा मिलेगा और जो उपभोक्ता है उसको भी 2 रुपये कम में मिलेगा, तो सस्ताई भी आएगी और बिचौलियों की जगह किसान को मिलेगा, तो इसमें किसान को फायदा होगा, उसकी आय बढ़ेगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट खेती। मैं किसान हूँ, मैंने टमाटर लगाया, इस बार टमाटर के रेट अच्छे, प्याज के रेट अच्छे, आलू के रेट अच्छे, तो पूरे देश का किसान टमाटर प्याज आलू लगा देगा तो अगले साल रेट डाउन हो जाएंगे, तो किसान की लागत भी नहीं निकलती, घाटे में आता है, जो कर्ज लेता फिर वो आत्महत्या करता है। लेकिन अगर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता और आप व्यापारी या कंपनी है, आपने कहा कमल पटेल जी आप 10 एकड़ में आपने टमाटर लगाया, 10 एकड़ में आप आलू लगाओ, 10 में मिर्ची प्याज लगाओ, मेरा बीज लगाओ, हम आपसे 20 रुपये किलो में खरीदेंगे, बिल्कुल ठीक। अब मुझे 2 रुपये किलो भी नहीं मिल रहा और 20 रुपये किलो लगाने में मुझे लगता है कि मेरी मिनिमम कितनी मैं खेती करता हूँ, मुझे पता है कि 200 क्विंटल तो हो ही जाएगा, तो 4 लाख का हुआ और मेरी लागत भी 1.5 से 2 लाख आई, तो मुझे 2 लाख की गारंटी तो है कि लाभ होगा, घाटा नहीं होगा। तो मेरी इच्छा के अनुसार मैंने आपसे एग्रीमेंट किया, अब कल को रेट 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये हो गए तो आप उससे हट नहीं सकते, आपको लेना ही पड़ेगा। और अगर आपने नहीं लिया तो मैं FIR कराऊंगा आपके खिलाफ SDM कोर्ट में और वहां से कार्रवाई कराऊंगा। लेकिन किसान को इसमें छूट दी गई है कि अगर रेट 20 रुपये से 30, 40, 50 हो गए तो आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, 20 रुपये तक तो मैं आपको दूंगा जब तक रेट रहेंगे, लेकिन ज़्यादा तो मैं पहले आपसे कहूँगा कि आप बाजार में 40 है तो आप 40 लीजिए, 50 है तो 50, आप नहीं लेंगे तो मुझे छूट है, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाजार में बेच सकता हूँ, ताकि किसान को लाभ हो। ये पहली बार इतने अच्छे कानून बने, अभी तक तो था ही नहीं, और इसलिए ये भी किसान का लाभकारी होगा, घाटे की खेती नहीं होगी, रिस्क नहीं होगी, जब घाटे की नहीं होगी तो कर्ज में नहीं आएगा, तो आत्महत्या नहीं करेगा। और अभी तक लोग कहते हैं किसान की खेती घाटे की, आत्महत्या करता है, इसको रोकने के लिए तो ये मोदी जी ने किया है, लेकिन ये लोग जिन्होंने किया नहीं उनको ये तकलीफ हो रही कि अब ये लागू हो गया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, सबकी खत्म हो जाएंगे, मोदी मोदी रहेंगे, बीजेपी बीजेपी रहेगी, और इसलिए होने ही मत दो, और इसलिए भड़का के बहका के इस प्रकार के आंदोलन करना है। तीसरा, स्टॉक की सीमा खत्म की है, इसलिए खत्म की है कि अब हमारी सिंचाई बढ़ गई है। जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय 2003 में जब हमको सरकार मिली थी 2990 मेगावाट बिजली थी और 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई थी, आज 41 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई हो गई, 65 लाख हम करने वाले हैं। 2990 मेगावाट की जगह अब 21,000 मेगावाट तक की क्षमता हमारी बिजली की हो गई मध्य प्रदेश में, सरप्लस बिजली है, और इसलिए अब उत्पादन बढ़ गया, इसलिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है, देश का सबसे महत्वपूर्ण कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश है, इतना उत्पादन हो रहा है। अब उत्पादन ज़्यादा हो गया, खरीदार कम है, और इसलिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 1 लाख करोड़ का बजट दिया है मोदी जी ने, 1 लाख करोड़, ये सिर्फ किसानों के लिए है, उद्योगपतियों के लिए नहीं। ये कहते ना उद्योगपतियों के हाथ में जाएगा, अरे उद्योगपतियों के हाथ में तो कांग्रेस ने 60 साल में दिया था, जिसके दुष्परिणाम ही है कि किसान को घाटा और व्यापारी मुट्ठी भर लोग अरबपति करपति। अब 1 लाख करोड़ में 3% ब्याज की छूट नाबार्ड से,
उसके अलावा 40% उद्योग पे, 50% कोल्ड स्टोरेज पे, 25-33% वेयरहाउस पे होगी, ये किसानों के होंगे। किसान के बेटे बेटियों को हमने ऋण देना शुरू कर दिया। अभी हरदा में एक संध्या इंगले है, 25 लाख रुपए हमने मसाले की फैक्ट्री लगाने के लिए दिया उसको 40% सब्सिडी पे, 3% ब्याज की छूट पे। अब किसान के बेटे और बेटियां जो पढ़ लिख के योग्य बन गए वो अपने उद्योग लगाएंगे, अपने व्यवसाय लगाएंगे, अपने वेयरहाउस कोल्ड स्टोरेज, जिससे लाखों करोड़ का जो अनाज हर साल सड़ता वो नहीं सड़ेगा, और जो बिचौलिए और उद्योगपति कमाते थे वो किसान कमाएंगे और रोजगार देंगे। ये है। और इसमें जब उत्पादन ज़्यादा है तो खरीदार को सीमा दे देंगे कि इतनी सीमा करके दोगे तो पड़ा रहेगा माल सड़ता, कोई खरीदार नहीं मिलता। फिर आप देखते हो टीवी के ऊपर आता है, समाचार में आता है कि प्याज फेंक दिए रोड पे, टमाटर फेंक दिए रोड पे, अब नहीं होगा। और इसलिए किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा। और इसलिए तीनों कानून और स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना से गाँव में जो 70% लोग रहते हैं उनके मकान प्लाट की वैल्यू, एक एक गाँव 500-500 करोड़ के हैं, और हरियाणा पंजाब में तो 1,000 करोड़ से ऊपर के गाँव हैं, लेकिन 1 रुपये की न जमानत हो सकती, न लोन मिल सकता, न लिमिट मिल सकती थी, अब वो मिलेगी। तो गाँव के लोग भी अब व्यापार व्यवसाय उद्योगपति बनेंगे। जो मुट्ठी भर उद्योगपति थे वो अब करोड़ों बनेंगे, और जो मुट्ठी भर के पास पैसा था वो करोड़ों लोगों के पास होगा, यानी विकेंद्रीकरण होगा, तब देश गाँव और आत्मनिर्भर होगा, गाँव और शहर का भेद खत्म होगा, और गाँव भी शहर जैसे होंगे, गाँव के किसान भी उद्योगपति बनेंगे। अभी तक गांव वालों को कोई अवसर नहीं था, सही मायने में आजादी गांव को अब मोदी जी ने दिलाई, और इसलिए मैं मोदी जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, पूरे मध्य प्रदेश सहित देश के किसानों की ओर से उनका स्वागत करता हूं कि वाकई में मोदी जी आपने गांव को आजादी दिलाई, किसानों को आजादी दिलाई, अब किसान के बेटे बेरोजगार नहीं होंगे, अब वो व्यापार व्यवसाय उद्योग भी करेंगे। और इसलिए हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि ये कानून जारी रखिए ताकि देश आत्मनिर्भर होगा, और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प मोदी जी ने लिया वो इसी से पूरा होगा। कांग्रेस ने तो अच्छे खासे देश को विकलांग बना रखा था, बैसाखियाँ पकड़ा दी थी, वो तो अटल जी ने निकाली जब परमाणु विस्फोट किया उन्होंने पोखरण में, और देश को अपने बल पर आत्मनिर्भर करा। वो परमाणु पोखरण का विस्फोट नहीं था, वो देश में खोया हुआ स्वाभिमान, पुरुषार्थ, चरित्र, देशभक्ति का विस्फोट था, और उसके बाद देश के अंदर आया कि हाँ हम अपने बल पर खड़े हो सकते हैं, और आज मोदी जी उसको आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में हम सिरमौर होंगे, और वाकई में देश सोने की चिड़िया बनेगा। और सोने की चिड़िया कब बनेगा? जब करोड़ों लोगों के पास पैसा होगा, और वो पैसा आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी ने ही शुरू किया है। कमल की पार्टी का राज है, कमल पटेल कृषि मंत्री हैं, और क्या अब भरोसा हो, किसान भरोसा कर सकते हैं कि कमल की तरह उनका चेहरा भी खिल सकता? बिल्कुल, कमल का फूल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। दीपावली के दिन गरीब से गरीब आदमी भी कमल के फूल ला के लक्ष्मी जी की पूजा करता, क्योंकि लक्ष्मी जी को सबसे अधिक कमल का फूल पसंद है। नर्मदा मैया भी कमल के फूल पे विराजमान है, सरस्वती जी भी कमल के फूल पे विराजमान है, और इस समय हिंदुस्तान भी कमल के फूल पे विराजमान है, मोदी जी के रूप में, शिवराज जी के रूप में, सबके रूप में। और इसलिए पूरा देश अब खुशहाल और समृद्धशाली होगा, और 21वीं सदी में मैं कह रहा हूँ दुनिया में भारत सिरमौर होगा। तो हमारे साथ थे आज कृषि मंत्री कमल पटेल जी फेस ऑफ द वीक कार्यक्रम में, जिनका भरोसा है कि मोदी के नेतृत्व में अब ना केवल किसानों की आय दोगुनी हुई होगी, बल्कि कांग्रेस के 60 साल के कारण जो किसान परेशान था अब उसे सही मायने में अब आज़ादी मिल रही है, अब किसान भी उद्योगपति बनेंगे, आय भी दोगुनी होगी, और उनका घर परिवार कमल की तरह खिलेगा और संपन्न होगा। कमल पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फेस ऑफ वीक कार्यक्रम में अब अगली बार हम फिर किसी खास हस्ती के साथ आपके साथ सामने मौजूद रहेंगे। नमस्कार।